मुझे नहीं मालूम था मुझे ये पता था कि आपने एक्टिंग की क्लासेस ली हुई हैं मैंने वो भी ली हुई हैं ओके सो टेल मी आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है क्या पढ़ा हुआ है और फिर ये आप डायरेक्शन की क्लासेस कैसे न्यूयॉर्क एकेडमी तक पहुँची मैं पहले तो मैं इंडिया चली गई थी मैंने वहाँ पर मैं उस ज़माने में मैं डांस करती थी तो मैं स्पेशलाइजेशन के लिए गई और वहीं पर मैंने डिस्कवर किया एक एक्टिंग कोर्स मैं उस तक उस पॉइंट तक उस एज पर आ गई थी जहाँ मुझे नज़र आ रहा था कि यू you नो know, मैं कितने और साल डांस कर पाऊंगी या okay. कितनी और, करती थी। okay. और मैं कब कोई या सिंगल प्लेस तो लें, अगर आपने mm -hmm. मेरा पुराना yeah. देखा हो नीली धूप अगर पुराना mm -hmm. देखा जो तो उस जमाने का है जब मैं एक्चुअली डांस कर रही होती थी बट बीच में एक महीने में कोई काम कर दिया हफ्ता दस दिन की अगर शूट है मैं सीरियल नहीं करती थी क्योंकि वो मेरी फिर डांस और म्यूजिक एजुकेशन पे

उनमें तो अक्सर लोग पढ़ के ही आते हैं ना yeah. सीख के आते हैं hmm. ये क्राफ्ट है hmm. ये एक आर्ट भी है hmm. और एक क्राफ्ट भी है तो hmm. आर्ट तो चलो आपको कोई सिखा नहीं सकता आर्ट आपके अंदर होता है hmm. लेकिन क्राफ्ट जो है क्या सीख सकते? वो क्या है कि hmm. आप अपनी आवाज़ को किस तरह बदल सकते हैं चेंज कर सकते हैं लहजे लहजों hmm. की अगर बात आए तो वो कैसे उस पर क्या मेहनत रिक्वायर्ड होती है एक कैरेक्टर को खड़ा करने में क्या क्या आप कर सकते हैं तो वाँ इंडिया नॉट लोग मैं तो मतलब वेस्ट की तरफ जाते हैं, जाते हैं हैं आई ऑलरेडी मैं दिल्ली में थी hmm. मेरा डांस कोर्स अब ख़त्म हो रहा था hmm. और मैं अब वापस आ रही थी कराची और मुझे इतना मज़ा आ रहा था दिल्ली में कि मैं चाह भी नहीं रही थी कि मैं वापस आऊँ तो मैं एक वो डबल बहाना बन गया hmm. कि ओहो मैं तो अब कोर्स करूँगी तो अब तो मुझे छः महीने और रहना पड़ेगा दिल्ली में सो वो बड़ा मेरा अच्छा वक्त गुजरा वहाँ पर वो मैंने फिर कंप्लीट किया मैं वापस आई

Uh, और मतलब तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें बट फिल्म डायरेक्शन एक ऐसी चीज है आप सत्तर साल की उम्र में भी कर सकते हैं सही बात है हुँ, आप बल्कि आप और इम्प्रूव हो जाते हैं हुँ. आपका जो तजर्बा होता है आपका जो क्राफ्ट होता, होता है वो, वो और यू नो फाइन ट्यून हो जाता है सो so, वो मेरे जहन में था एंड आई हैपन टू कम बैक एंड माई मदर सेड लुक अभी मौका है मेरे पास थोड़े से पैसे हैं तुम्हें अगर जाना है या तो तुम फिर अभी जाओ मैंने कहा मैं अभी जाऊँ <laughs> और पूछ पूछ सो दैट देन देन आई आई केम बैक एंड डायरेक्टेड अ कपल ऑफ सिंगल प्लेज बट वो वो दौर था जब हमारी प्रोडक्शन जो है वो इतनी डिवेलप्ड नहीं थी सो hmm. so जो डायरेक्टर होता था वो बेचारा प्रोड्यूसर भी होता था hmm. वो आर्टिस्ट के खाने को भी देख रहा होता था वो आर्टिस्ट का पिक एंड ड्रॉप भी देख रहा होता था वो आर्ट डायरेक्शन भी देख रहा होता था वो वॉड्रोप भी देख रहा सब कुछ डायरेक्टर कर रहा होता था सो hmm. वो बड़ा हेक्टिक मुझे लगा वो निखर के बाहर नहीं आ रहा डायरेक्टर yeah. है हाँ. किस वैन में आया अगर खाना, नहीं खाना नहीं है, है नहीं है सो so, ये चीजें उस जमाने में दिस इज लाइक अर्ली टू थाउजेंड टू थाउजेंड वन नया नया वक्त कोई और चैनल था नहीं तो पी टी वी का ही एक समझे लेफ्ट ओवर क्रू चल रहा था क्रू चल, चल, रहा था प्रोसेस चल रहा था जिसमें पी में तो प्रोड्यूसर कहते थे प्रोड्यूसर वाज़ द डायरेक्टर ओके तो वो सब कुछ ही खुद कर रहे होते थे सो आई फेल की लेट मी टेक अ ब्रेक एंड बिकॉज आई एम एन एक्टर मुझे एक्टिंग में बड़ा मजा आता है मैंने कहा ये तो ज्यादा आसान काम है पहले मैं आसान काम कर लूँ दिखाऊँ थोड़े फिर जब बड़ी हो जाऊंगी तो और जब और कुछ नहीं होगा करने को तो मैं डायरेक्शन बात नॉट समथिंग दैट गोज अवे सो उसके बाद लेकिन यू नेवर वेंट बैक टू डायरेक्शन अभी तक तो नहीं अब अभी तक एक्टिंग चली तो इंडिया का ट्रिप कैसा था हाउ वज इट लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते थे कि एक पाकिस्तानी जिसनेक्टिंग अच्छा। में भी किया हुआ है कुछ ना कुछ थिएटर से भी बिलोंग करती है वो आती थी हाउ वज द रिस्पॉन्स बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत आला दिल्ली में मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा बहुत अच्छे दोस्त बन गए बहुत अच्छे लोग मिले फिर उसके बाद चंद कुछ अर्से बाद जब मैं फिल्म मेकिंग भी करके आ चुकी हुई थी फिर कुछ चरसा यहाँ रही कराची में फिर मैं एक साल के लिए बॉम्बे में रही उस वक्त मैं गई थी एक्सप्लोर करने के अगर इंडिपेंडेंट इनकी फिल्म्स बननी शुरू mm -hmm, हो गई थी जो यू नो लाइक मानसून वेडिंग इस कस्म की फिल्में mm -hmm. जो मिंग्लिश yes. जिसे कहते हैं कि उसमें कुछ oh. हिंदी भी थी कुछ यू mm नो -hmm. you know, वो इंग्लिश भी थी तो उस उसम का काम पाकिस्तान में उस वक्त तो खैर बिल्कुल ही नहीं रहा हो रहा था सो आई फेल्ट कि चलो यू नो कोशिश करके देख लेते हैं एंड कोशिश की पर वहाँ पे बहुत मुझे अच्छा रिस्पांस मिला मतलब मेरी कजन भी एक्टर है वहाँ पर बॉम्बे में ही रहती है Uh, तो वो मुझसे बड़ी नाराज़ होती थी उस जमाने में बिकॉज मैं फ़ोन करती थी और मैं कहती थी कि मैं जैसे गुलजार साहब से मिलना uh. है या शाम बेनेगिल साहब से मिलना है ये uh. बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं ये बहुत बड़े लोग uh -huh. हैं बिल्कुल सो so, बट uh, मेरी अगर कॉल जाती थी कि जी पा मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं कराची से आई हूँ एंड आई रियली वांट टू मीट यू तो वो फ़ौरन बुला लेते थे कि आप कल आ जाए तो आप मिली इन सबसे मिली और उन्होंने मुझे बहुत और वो खुद मतलब पूछते कि आप कैसे आ गई हैं लाइक वी आर एंड दैट्स वाई वी आर क्यूरियस वी वॉन्ट टू मीट यू Mm -hmm. बहुत इन्होंने you know, वेलकम किया बट mm -hmm. वही वाली बात होती है किस्मत की क्योंकि मैं वहाँ एक साल ही रह पाई वीज़ा के इश्यूज। mm -hmm. अब जब मेरा एक्चुअली टाइम आ रहा था टू यू नो एंड पीपल स्टार्टेड टेकिंग मी सीरियसली कि हाँ ये लड़की टिक गई है ये यहाँ mm -hmm. है ये नहीं कि एक दो महीने के लिए आई है mm -hmm. और चली जाएगी mm -hmm. तो अब मुझे काम मिलना शुरू हो रहा था तो मेरा प्रोसेस यू नो हो गया तो आई हैड टू कम बैक

बड़ा आपको अच्छा लगा उन्होंने कुछ बोला कुछ शेयर कर सकती हैं ऐसा कुछ वाक हाँ मतलब आ, उस जमाने में अब फॉर इंस्टेंस इम्तियाज अली हुँ. की पहली फिल्म भी अभी लॉन्च नहीं हुई थी ओके okay. तो मैं उनके साथ बड़ी दोस्ती हो गई हुँ. और अनुराग कश्यप Uh, के साथ साथ बड़ी दोस्ती हो गई hmm. तो हम लोग 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 इनके साथ बाकायदा शामों को बैठते थे थे yeah. और और ये भी हो थी। थी। और ये भी भी बहुत थे उस जमाने में फिर मुझे कोई एक शाम मुझे सलमान खान साहब के घर ले गए तो ही वॉज वेरी हॉस्पिटेबल अच्छा मैं कोई बहुत बड़ी फैन नहीं थी अच्छा सलमान खान की <laughs> 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 मतलब can you believe it <laughs> 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 नहीं बट मैं नहीं थी आई वांट स्टार्ट स्टक बाय हिम एंड आई वाज लाइक ओके तो आपने बिल्कुल you know, नॉर्मल लिया सलमान खान <laughs> नहीं आप वाज एक्साइटेड कि अच्छा ठीक है उनके घर जा रहे हैं फॉर डिनर बट यू नो आई वाज लाइक ओके सलमान खान भी मैंने उनकी तस्वीरें भी नहीं ली इमेजिन

और हम जाना चाह रहे थे हमें भूख भी लग रही थी हम निकलना चाह रहे थे कोई को बारह एक बज गए लेकिन नहीं खाना रस्ते में है ये तो हो ही नहीं सकता नामुमकिन है कि कि खाए जाएं खाना खाए बगैर जाए तो खास कुछ गजाली वहाँ पे एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है जो सलमान खान का भी फेवरेट है शाहरुख mm -hmm. खान का भी फेवरेट है okay. तो उनके क्रैब्स और यू नो ये चीजें बड़ी फेमस है सो उनका वो रस्ते में रस्ते में तो hmm. उनको दो ढाई रोका hmm. बहुत ख्याल रखा एंड यू रियली वाई हार्ट सो मतलब जो ह्यूमिलिटी hmm. और और मजा बहुत आया फनी वेरी फनी ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर सो एट दैट टाइम सो काफी स्टार और तस्वीर नहीं ली आपने और मैंने मैं... किसको क्या पता था कि जमाना ऐसा हो गया तस्वीरें तस्वीरें मैं विल मैटर सेल्फी से उसको किसको पता था वो जमाना नहीं था उस वक्त तो फेसबुक भी नहीं आया था उस वक्त तो मुश्किल से ऑर्किड था शायद या इफ यू रिमेंबर यू राइट या तो आर यू इन टच विद दीस पीपल नाउ और एनीवन फ्रॉम देयर नाउ

had a great time. Yes, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे एक सवाल से कितनी <laughs> कहानियाँ हमें मिल जाएंगी और जैकी शेरौफ तो मतलब बहुत तो... अच्छे इंसान हैं, बहुत ही आला इंसान